हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग, उम्मीद है अच्छे होंगे। दोस्तों इस वीडियो में हम सीखेंगे थैंक्स बटन कैसे इनेबल करते हैं। तो चलिए हम चलते हैं अपने टॉपिक पर। आज के हमने अपना यूट्यूब लॉगिन कर लिया है, और उसके बाद में सबसे पहले मैं आपको ये दिखाना चाहूँगा कि मेरी वीडियो पर थैंक्स बटन इनेबल है कि नहीं। तो यहाँ से अपना टाइटल अभी ये हमारा हो गया इनेबल, ठीक है। आप भी अपने चैनल का ऐसे करना। अभी हम चलते हैं फिर से अपने डैशबोर्ड में। अभी देखो रिफ्रेश हुआ था, यहाँ पर ऑन रहेगी, ठीक है। अभी हम चलेंगे अपने डैशबोर्ड में, उसके बाद में हम फिर से टाइटल कॉपी करेंगे, उसी वीडियो कर लेता हूँ। फिर से सेम स्टेप है, जैसे कि न्यू टैब खोलना है हमको, और यहाँ पे हम नॉर्मली पेस्ट कर देंगे। ये कर दिया मैंने पेस्ट, उसके बाद मेरा फर्स्ट में मेरा वीडियो आ गया। फिर से प्ले कर देंगे इसको। और ये आ गया थैंक्स बटन। तो दोस्तों ये हो गया इनेबल। इसके बहुत सारे प्रॉफिट हैं, जैसे किसी को हमारा वीडियो पसंद आ गया, अगर कोई डोनेट या कुछ ऐसे कुछ देना चाहता हो, तो यहाँ से भी हमें रेवेन्यू जनरेट हो सकता है। इसके लिए ये यूट्यूब ने दिया हुआ है। जैसे कि मुझे आपका वीडियो पसंद आ रहा है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और थैंक्स पे, तो ऐसा कुछ इंटरफेस आएगा, ठीक है। तो मैं आपको अपने वॉलेट में ऐड करके आपको डॉलर पे कर सकता हूँ, ठीक है। डॉलर मतलब उसने पैसे दिखा रहा है, तो उतने पैसे आपको नहीं आएंगे, आपको 30% कट के आएगा आपके पास। और ये तब आता है जब आपका बैंक ऐड हो एडसेंस में, ठीक है। तो इसका प्रोसेस बहुत काफ़ी लंबा है, अगर डीपली समझाना हो तो मुझे वीडियो बनाना पड़ेगा दूसरा। इसके लिए इसको यहीं छोड़ देता हूँ। ये हो गया इनेबल, अपना भी ऐसे इनेबल कर लेना। दोस्तों मेरा वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।